अपन आज नई कंपनी बनाना भी सीख लेते हैं। जिनको नई कंपनी बनाना नहीं आया वो एक बार देख लेना। नई कंपनी बनाने के लिए अपन क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपन किसी बैंक के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं। तो अपन अभी यहाँ पर कौन कौन विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी अपने नाम बता दो, अपन उनके नाम के पहले पहले अक्षर ले लेंगे। फिर अपन स्वाति स्वाति का अपन एस ले लेते हैं। और कोई नाम बताओ अपना। पूर्वा पूर्वा का पी। और कोई नाम बताओ। अमन सर अमन, अमन का अपन ए ले लिया। और कोई नाम बताओ। आस्था आस्था का फिर से ले लिया। तो SPA। और कोई नाम बताओ एक और। बस एक नाम और बताओ। खुशबू खुशबू क्या नाम। खुशबू का अपन ने के ले लिया। तो अपन ने खुशबू का के ले लिया। तो यहाँ पर ये जो अपनी कंपनी है ये स्पार्क बैंक बन गई है। तो SPAA बैंक है ये। अपन ने SPAA के बैंक के नाम से एक बैंक ओपन किया ऐसा मान लेते हैं। तो बैंक का काम स्टार्ट करने के बाद मेलिंग नेम में हम वो नेम लिखते हैं जो जैसे अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी पासबुक पे प्रिंट होकर जाएगा। तो वो नाम अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। तो अपन ने वही SPAA के जो बैंक है वही अपन ने नाम लिखा रहने दिया है। एड्रेस अपन यहाँ पर लिख देंगे बैंक का, जो भी एड्रेस हो। माना कि बैंक विदिशा में है तो अपन ने विदिशा लिख दिया है। इंडिया में है, मध्य प्रदेश में है, पिन कोड भी अपन ने विदिशा का डाल दिया है। और अपन यहाँ पर अकाउंट्स ओनली लेंगे क्योंकि अपन नॉन बिजनेस टैली में काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को ही स्टार्ट होता है। पासवर्ड अपन नहीं दे रहे हैं लेकिन आप जॉब करेंगे तो पासवर्ड जरूर देना। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया के अकॉर्डिंग सही सही है, स्पीडली बता देते हैं सही क्यों है। बेस करेंसी सिंबल अपना लेन देन रुपए में होता है, उसका सिंबल RS होता है, शॉर्टकट रूप। फॉर्मल नेम RS का पूरा नाम, इंडियन रुपीस होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हम अपना आंसर पॉइंट के बाद दो अंकों तक लेते हैं इसलिए यहाँ पर 2 है। इस सिंबल सबिस टू अमाउंट, यदि आप अमाउंट के पहले सिंबल RS को लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अपन तो बाद में लिखते हैं। तो अपन यहाँ पे नो कर रहे हैं, यस करते हैं तो RS 500, RS 600 इस तरह से आता है। और नो कर देते हैं तो फिर 500 RS, 600 RS इस तरह से आता है। कुछ पूछ रहे हैं अमन। तुम मेंटेन में जो जो ऑप्शन रहते हैं एक बार उनके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, जो बारे में अकाउंट प्लान ले लिया जाए। आप ये पूछ रहे हो कि अकाउंट्स ओनली क्यों लिया है। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री होता है व्यावसायिक जगहों के लिए। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, जहां पर वस्तुओं क्रय विक्रय होता है वहां पर इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखा जाता है। और चूंकि स्कूल, कॉलेज, बैंक, कंप्यूटर सेंटर, कोचिंग सेंटर, NGO, सोसाइटी, हॉस्पिटल, इन जगह पर वस्तु क्रय विक्रय नहीं करते बल्कि सेवाएं देकर आय अर्जित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें इन्वेंट्री की आवश्यकता नहीं होती है। अकाउंट्स ओनली काम अपन कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अकाउंट्स ओनली को सिलेक्ट कर लिया है। हमने पहले वीडियो आपको भेज भी दी है कंपनी बनाने की, पूरी विस्तार से हमने कंपनी बनाना बताया है। वो वीडियो हम आपको दोबारा भेज देंगे तो आप उसमें कंपनी बनाना विस्तार से समझ भी सकते हैं। अभी हम शॉर्टकट में यहाँ पर बताते जा रहे हैं, आप इससे पहले वाली वीडियो में कंपनी बनाना विस्तार से सीख लेना, हम आपको फिर से वीडियो भेज देंगे। दशमलव के बाद क्या होता है, पैसे होते हैं, यहाँ पैसे लिखा हुआ है। सो अमाउंट्स इन मिलियन, हम अपना अमाउंट अगर मिलियन में देखना चाहते हैं तो यस करते हैं, अपन तो रुपए में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नो कर रहे हैं। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। अपन को स्पेस चाहिए होता है तो अपन यस कर देते हैं। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट एंड वर्ड, अमाउंट मतलब दशमलव के कितने, दशमलव बाद के कितने अंक अपन प्रिंट आउट में लेना चाहते हैं। तो अपन ने दशमलव बाद के 2 अंकों तक लिया है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में, तो अपन यहाँ पर भी 2 अंक तक ही प्रिंट आउट में निकाल पाएंगे। जितने यहाँ लेते हैं उससे कम तो अपन प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं, पर यहाँ जितने लिए हैं अपन ने उससे ज्यादा प्रिंट आउट में नहीं निकाल सकते।
आपको एंटर दबा देंगे, दो ही रहने देंगे अपन, अपनी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब आप लोग, हाँ आपने क्या पूछा था, आज हम क्या बताना है? लेजर में गलती हो जाने का सुधार। हाँ, लेजर में गलती होने पर सुधार करना। सबसे पहले हम एक दो लेजर बना लेते हैं, फिर उनमें गलती होने पर सुधार भी कर लेंगे। ALC से अपन लेजर बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बहुत सारे लेजर बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है, समय कम है, तो फिर आप मल्टीपल का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल से कैसे बनाते हैं वो आप समझ सकते हैं। A, L और R, ALR ऑप्शन के द्वारा आप जल्दी जल्दी लेजरों को बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप जो लेजर बनाने वाले हैं वो किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। अपन ऐसा करते हैं, जो भी लेजर अपन बना रहे हैं सब अपन डायरेक्ट इनकम बार लेजर बना लेते हैं। अपन ग्राहक के लेजर बना रहे हैं, तो ग्राहक अपने सारे सारे आएंगे सैंडरी क्रिएटर में, सॉरी। तो अपन यहां पर देख लेते हैं कहां लिखा है सैंडरी क्रिएटर। तो अपन सैंडरी क्रिएटर पर जाकर एंटर दबा देंगे, क्योंकि जो ग्राहक अपने बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हैं भविष्य में कभी भी अपन से रुपए वापस लेने के लिए आ सकते हैं, इसलिए वो सबके सब अपने लेनदार हो जाते हैं। तो अपन यहाँ पे ग्राहक का नाम लिख देते हैं, जो भी नाम आपको लिखना हो। पर यहाँ पे देखो अकाउंट नंबर लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए अपन यहाँ पर ग्राहक के नाम बनाना उचित नहीं है। अपन तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बना लेते हैं। अपन यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बना लेते हैं। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले बना रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर अपन लिख लेते हैं यहाँ पर सैलरी, फिर अपन यहाँ पर लिख लेते हैं बाकी। तो अब इनडायरेक्ट में आएंगे तो अपन यहाँ इतनी रहने देते हैं। अब अपन फिर से आर प्रेस कर रहे हैं और अपन अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बना लेते हैं। तो अपन यहाँ पर आई प्रेस करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जा रहे हैं। तो यहाँ अपन लिखेंगे रेंट अकाउंट, कमीशन, कमीशन अकाउंट लिखा अपन ने, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटर दबाते चलेंगे सेव हो जाएंगे। इस तरह अपन लेजर बना लेते हैं। अपन अब लेजर को देख सकते हैं, अपन ने लेजर कितने बना लिए, तो डिस्प्ले में जाते हैं देखने के लिए। ये अपन लेजर अभी बनाए। वापस अगर अपन गेटवे ऑफ टैली पर हैं और अब हमको लेजर देखना हो तो प्रेस करते हैं ALD और अपन लेजर को देख सकते हैं। अब अपन ऐसा मान लेते हैं कि हमसे लेजर में कोई गलती हो गई है, अपन उसको सुधार करेंगे। जैसे अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो कमीशन है, कमीशन अकाउंट, अपन ने यहाँ पर LIS में कुछ नहीं लिखा और हमें LIS में भी कोई उपनाम लिखना था जिससे हम इसे शॉर्टकट नेम से ओपन कर सकें, इतना बड़ा नेम हमें कमीशन ना लिखना पड़े। तो अपन सुधार कैसे करेंगे वो देखो। जब अपन बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आला लगाकर जांच करते हैं फिर सुधार करते हैं। तो यहाँ भी अपन टैली के डॉक्टर हैं तो अपन टैली में आला लगाकर इसकी जाँच करेंगे। तो ALA अपन ने प्रेस किया आला, और उसके बाद अपन यहाँ पर देखते हैं कमीशन कहाँ प्रॉब्लम है, तो कमीशन पे एंटर दबा देंगे और यहाँ पर जो मिस्टेक है अपन यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। जैसे कमीशन है, अपन कमीशन का यहाँ नीचे LIS में कोई शॉर्ट नेम लिख सकते हैं जिससे अपन कमीशन को जल्दी ओपन कर सकें। अपन ने यहाँ पर कमीशन का शॉर्टकट लिख दिया है, 1 लिख दिया है। और जब भी वन टाइप करें कमीशन आ जाया करें, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ऐसे अपन लेजर बना सकते हैं। अब वाउचर एंट्री करेंगे अपन, वी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखो कमीशन देना है तो एंट्री करते हैं पेमेंट में। अब बाद में अपन को जैसे कमीशन देना है तो अपन 1 लिख देते हैं, अपन ने 1 लिखा था शॉर्टकट कमीशन के लिए। इंटर दबाएंगे तो कमीशन यहाँ पर आ जाया करें। तो बाय कमीशन अकाउंट। अब
वाउचर में गलती होने पर सुधार करना, ये अपन अगली क्लास में सीखेंगे कल। अभी अब बिजनेस टैली का समय हो रहा है, तो अपन 1 मिनट बाद बिजनेस टैली के पेज को स्टार्ट कर देंगे। जो विद्यार्थी बिजनेस टैली को पढ़ते हैं वो क्लास में ज्वाइन रहना, या फिर लेफ्ट होने के बाद फिर से ज्वाइन हो जाना 1 मिनट बाद। गुड इवनिंग सभी के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।